सभी को जय माता दी। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। माता की यात्रा में क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, और आपको सारी की सारी मैं बातें यहाँ बताऊँगा। एक तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी यात्रा का समय रात शाम के 4 से 6 बजे के बीच माता की यात्रा शुरू कर दें, जिससे आप धूप में परेशान नहीं होंगे। और दूसरा, अपना कोई अगर दर्द वर्द की दिक्कत होती है या कोई भी मेडिकल इश्यू है तो अपनी दवाई बाहर से ही लें, क्योंकि रास्ते में आपको यहाँ दवाइयाँ और काफ़ी चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो अपना दवाइयाँ या कुछ और लेना हो तो अपना बाहर से ही लें। सभी को जय माता दी। जय माता की। जय माता दी भाई। जय माता की। जोर से बोलो। जय माता की। सारे बोलो यार। सावने बात बताऊं भाई, नीचे से जैसे आते भाई, बी प्रोफेशनल। अरे आज नीचे से आरोप ले लो। जय माता की। जय माता की। भाई ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर दिखाना पड़ता है यात्रा पर्ची। जोर से बोलो जय माता दी। भाभी तो दिखाई दो यात्रा पर्ची। यस। क्या कह रहा था भाई तू? अभी यहाँ से हम एंट्री करेंगे। रिस्किंग रिस्किंग पॉइंट है ये यहाँ का, जहाँ अपना टिकट दिखाना होगा और अंदर एंट्री होगी। बहुत भीड़ रखी है वैष्णो देवी में। अमित किधर यार? अमित यहाँ की सबसे बड़ी एक दिक्कत है भाई, वो भाई है यहाँ की खुशबू है। भाई अमित भाई मैं बता, सीटी से चला गया वैसे चला गया? लोगों को बताएंगे कि सीढ़ियों स्टेयर से चलना अच्छा है कि फ्लैट चलना अच्छा है, तो सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए बस। ये यहाँ की इनिशियल स्टेज है जहाँ से चढ़ाई दोस्तों शुरू हो चुकी है हमारी। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी पहुँचे भाई हम बाणगंगा, ये साइड में लेफ्ट साइड में है बाणगंगा। दिखाते हैं भाई आपको, थोड़ा ऊपर जाके दिखाते हैं। जय माता दी। थोड़ा सा आराम करते हैं फिर चलते हैं। क्या हुआ भाई? 711 टोटल सीढ़ियाँ है बाणगंगा से, पहली सीढ़ियाँ 711 सीढ़ियाँ का सफर तय करेंगे हम, जाने वाला दोस्त सफर में। बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं कैसा कैसा बीच में आएगा और कैसा माता के दरबार में हम जा रहे हैं दोस्तों। एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक हाई हो रहा है, हम जा रहे हैं। चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते में। सीढ़ियों से माता की शुरुआत की हमने, सीढ़ियों से जा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि आप थकावट महसूस हो रही है, बोलते हैं दोस्तों हम सीढ़ियों से चल रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके अंदर थकावट महसूस हो रही है, एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करिए। स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग पीते हैं और चढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी। देखो भाई स्ट्रिंग पीते ही बिल्कुल भागने लग गया। यो थोड़ा हरियाणा का 10 मिनट हुए भाई चलते हुए, और इन भाइयों ने देखो तुम क्या हो गया भाई? लेते थे अपनी स्ट्रिंग ले तो भाई, एनर्जी लेवल स्ट्रिंग से नहीं मिली। एनर्जी लेवल नहीं भाई, एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ। ये एक्सपीरियंस जरूर भाई ये बकवास कर रहे हैं, ये थक गए हैं। सच्ची बात ये है, जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा ना आपको, इतने सस्ते में इतने अच्छे मसाज 20 रुपए में। तो एक
इसका लोकेशन बता दे भाई। लोकेशन कितनी सीटी चलते है भाई? अच्छा 400 के बाद आ जाती है। रेट 20 रुपये में कितनी देर? 20 रुपये में 15 मिनट। भाई जरूर आइए भाई के पास। वेलकम टू मसाज सेंटर। क्या नाम भाई तेरा? भाई कितने की यात्री समय जो क्या रुपए की? भाई दोस्त कितने की यात्रा से नहीं है, मिलती नहीं दोस्त ने। भाई उसका वो सोचा तेरे वीडियो में दिखा होगा तो और कुछ बोलेगा कैसे लगेंगे भाई ब्रेक कैसे लगाते हैं? गड़ गेरा गड़ 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 सारे बोलो अरे मिलकर बोलो हाँ जोर से बोलो हाथ उठा कर बोलो अरे बहना बोलो वो भाई बोलो अरे छोटे बोलो बड़े भी बोलो जय माता की नाच के बोलो और गा कर बोलो अरे प्यार से बोलो माँ शेरा वाली माँ ज्योता वाली माँ लाटा वाली भाई फिलहाल पहुंच गए अर्धकुंवारी। अमित भाई गुम हो गया था, बहुत मुश्किल से मिला, बहुत मुश्किल से मिला यो। भाई बीट देखो तुम। सब काम संवारे जब भक्त पुकारे और कहते जाओ और चलते जाओ दुर्गा भवानी अमित कितना नंबर है भाई अपना? 246वां है ये 55 है भाई। टिकट मिलती है इस पे ये रहा इसमें मिलती होंगी रे तो भाई नहीं पता भाई टिकट का तो यार आप इन दे दे इनसे दे दे वो 146वां भाई टिकट कितना है भाई? टिकट यहाँ आगे से जाके राइट भाई आगे से जाके राइट भाई बट्टू बोला जब
भाई फिलहाल पहुंच गए हैं माता के रूम में और अभी केवल लॉकर देख रहे हैं। तो सुची ओ नैना देवी, ओ जय महाकाली, माँ खप्पर वाली, माँ काल करानी, माँ मनसा रानी। 7:11 मंडे। ये देखिए भाई मेन मंदिर की भीड़ है इतनी, आपको कम से कम लग जाएंगे 4-5 घंटे मेन मंदिर में दर्शन के लिए, और फिर भैरव पे टाइम लगेगा कम से कम 2 घंटे। अगर भाई की कोई वैष्णो देवी आने का प्लान बना रहा है तो थोड़ा एक महीना रुक के तब आना। कर बोलो अरे बहना, बोलो ओ भाई, बोलो अरे।